फैसला किया है कि हम 15 तारीख तक पूरे प्रदेश भर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे और उनसे मीटिंग करके 15 तारीख को ही सब उम्मीदवारों के नाम होंगे। तो गृहसचिव चौटाला जी गठबंधन को लेकर अकेले चल रहे हैं, आप फिर इतना क्लियर कीजिए क्या आप पक्ष में हैं भाजपा से गठबंधन को लेकर? ये बात सोशल मीडिया पे है ना, तो हमने किसी के साथ जाकर के गठबंधन की बात चलाई ना, हमने ये कहा कि कोई आप आकर के हमारे से गठबंधन करे ना, हमारे से किसी राजनीतिक दल ने बात तो चौधरी साहब एक बात हो रहा है कि चौधरी देवीलाल की विरासत कौन संभालेगा, क्या कांग्रेस पार्टी संभालेगी, आप संभालेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार चौधरी देवीलाल का नाम है। चौधरी देवीलाल की विरासत है इंडियन नेशनल पार्टी है। आज मीटिंग की है, मीटिंग की है, मीटिंग का काम आज की मीटिंग में कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे हमने कि किसको पार्टी का उम्मीदवार बना करके चुनाव लड़ाए जाए। कार्यकर्ताओं ने जहां अपनी तरफ से नाम और सुझाव दिए, अली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर इस बात को लेकर के उनको ऑथोराइज किया कि वो जिसको उम्मीदवार बना करके भेजेंगे हम उनके साथ तन मन धन से उसके बाद। सर एवरे आजम सर चौधरी चौटाला को लेकर हमारे साथियों ने हमें सबसे लिख लिख करके भी दिए हैं, कुछ लोगों ने अपने तरफ से अप्लाई भी किया है, हम उन सब नामों पर बैठ करके विचार करेंगे किसका नाम तय करेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर चौधरी अभय सिंह चौटाला चौधरी अभय सिंह चौटाला लोकसभा चुनावों को लेकर कितना आश्वस्त है, कितना पार्टी को मजबूत मानते हैं? कांग्रेस और भाजपा की जो हालत है, जिस तरह से वो लोगों के बीच में गए, कैसे लोगों ने उनका उसे लोग दृष्टि इंडियन नेशनल वोटर पार्टी के प्रत्याशी, क्योंकि हमने लगातार 4.5 साल संघर्ष किया है, हम लोगों के बीच में रहे, हमने लोगों के साथ जहां कहीं कोई अन्याय हो रहा था उसकी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो विधानसभा थी चाहे विधानसभा के बाहर थी, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लोगों का मन जीता। चौधरी अभय सिंह चौटाला पिछले एक महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से क्या फीडबैक आपको मिला है? आपको गलत था सर, अभी जो आपने लगातार 5.5 वर्ष से कार्यकर्ताओं से क्या फीडबैक? राम राम भाई।